नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बने हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर प्रशांत जी। हाँ, इन्होंने काफ़ी साल संघर्ष करने के बाद एक बेहतर मुकाम हासिल किया है और पलवल के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की हैं। तो आपको मिलवाते हैं डॉक्टर प्रशांत से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सारा संघर्ष किया और इस संघर्ष के निकलने के बाद में आप पलवल पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद आपने एक लैब स्थापित की, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम यही पुट अप करना चाहेंगे कि आखिर ये लैब होती क्या है। लैब एक ऐसी जगह है जहाँ पे तरह तरह के खून, पेशाब, वीर्य और मल मूत्र की जांच की जाती है जी। तो हमारा हमने केसी प्रशांत पैथ लैब पिछले 12 साल पहले जो यहाँ पे स्थापित की, जिस समय पे यहाँ पे बहुत कम लैब हुआ करती थी, तभी से हमने जो यहाँ पे एक क्वालिटी के लिए एक लैब यहाँ पे स्थापित किया जिसका नाम केसी प्रशांत पैथ लैब। जब आप 12 साल पहले पलवल पहुँचे, उसके बाद आपने कई दर्जनों संस्थानों में भी काम किया, बड़े बड़े संस्थानों में भी, उसके बाद आपने पलवल को ही क्यों चुना? दिल्ली और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों को क्यों नहीं चुना? एक्चुअली ये मेरा नेटिव प्लेस है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो मेरा शुरू से ही ये मानना था कि भाई अपने लोगों को जो है सुविधाएँ मिलनी चाहिए। जिस समय मैं यहाँ पर आया, उस समय पर यहाँ पर केवल जो है कुछ कैलोरी मीटर या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से ही लोग काम करते थे जी। बहुत ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल नहीं थे जी। तो हमने यहाँ पे आकर के ये कोशिश की कि सबसे बढ़िया से बढ़िया जो टेस्ट है और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के टेस्ट और उसकी रिपोर्टें यहाँ पे शुरू करी जा सके। तो उसी की दिशा में काम करते हुए यहीं पे पलवल ही हमने स्थापित करने का जो मन बनाया। तो जो लैब होती है उनमें गुणवत्ता प्रमाण की क्या ज़रूरत पड़ती है? जो लैब होती है उसमें गुणवत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट अगर वो सही आ रही है या नहीं वो आपको कैसे पता चले। तो अगर किसी भी लैब में गुणवत्ता प्रमाण है तभी आपको पता चलता है कि भाई ये लैब आपको जो शुगर की रिपोर्ट दे रही है और चीज़ों की रिपोर्ट दे रही है वो बिल्कुल ठीक दे रही है या नहीं दे रही है। तो इससे पेशेंटों को किस तरह से फ़ायदा होता है? पेशेंट को बहुत ही कई तरीके से फ़ायदा होता है। हम मेरे यहाँ आने से पहले बहुत कॉमन था कि शुगर जी मेरी 110 दे दी थी, तो 140 या 200 दे दी, मेरी तो 150 शुगर थी। हमने एक गुणवत्ता प्रमाण के लिए कई सारे कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किए हुए हैं, जिसके कारण हमारी अगर शुगर की वैल्यू 150 है तो 140 से 160 के बीच की ही वैल्यू मिलेगी किसी भी लैब में, जो भी गुणवत्ता प्रमाणित लैब है अगर आप वहाँ से कराते हैं तो। डॉक्टर साहब, एक जो नॉर्मल लैब होती है और एक पैथोलॉजी लैब होती है, दोनों में अंतर क्या है? नॉर्मल लैब और पैथोलॉजी लैब में बहुत अंतर है। नॉर्मल लैब आपकी जो रिपोर्ट्स है उसकी गुणवत्ता प्रमाण नहीं करती जी। वो ये नहीं जानती कि जो TLC दे रही है उसको कितना जो है फ़र्क आ रहा है जी, क्यों आ रहा है जी। उसके ऊपर वो जो है पूरी तरीके से जो है सजग नहीं होती, जबकि क्वालिटी कंट्रोल लैब इस बारे में पूरी जो है ध्यान देती है, और पैथोलॉजिस्ट की लैब हमेशा जो है पैथोलॉजिस्ट बैठ करके उस चीज़ का ध्यान रखता है। इतने दिनों से आप क्वालिटी कंट्रोल पर जोर दे रहे हैं, इतने साल बीत जाने के बाद भी क्या लगता है आपको? मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है आज की डेट में क्वालिटी को लेकर के पूरे पलवल में और साथ के एरियाज में काफ़ी कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे कई सारे लोग जो है अब किसी बाहर से सैंपल मंगा के भी लगा रहे हैं जी। और लोग जो ये जागरूक हैं कि भी हाँ, हमें जो रिपोर्ट आज क्वालिटी कंट्रोल चाहिए रिपोर्ट। यानी जो क्वालिटी कंट्रोल की बात आप कर रहे थे वो कहीं ना कहीं तक पूरी होती नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो सब सुना है कि आपने काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस भी कराई है, देश के प्रदेश के बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट भी आए, तो उन चीज़ों का क्या रेस्पॉन्स है? अभी पिछले 10 साल से हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई हुई है, एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट हरियाणा, जो कि पूरे हरियाणा के जितने भी पैथोलॉजिस्ट हैं सबको इकट्ठा करती है। हमने पिछले साल अम्बाला में और उससे पहले रोहतक मेडिकल कॉलेज में कॉन्फ्रेंस कराई थी, जो कि पूरे हरियाणा के जितने भी पैथोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और रोहतक मेडिकल कॉलेज के डीन और वहाँ के जितने भी बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट थे सब लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इससे उसके अगले साल 2017 में ही अभी हमारी फेब्रवरी में अम्बाला में थी, जिसमें पूरे हरियाणा से और आसपास के क्षेत्रों से भी काफ़ी सारे पैथोलॉजिस्ट आए थे। करीब 250 पैथोलॉजिस्ट वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने विचार विमर्श किया और अपनी बातों का आदान प्रदान उस वहाँ पर किया।
कुछ नई रूपरेखा देखने को मिली इस तरह के इवेंट्स से? इस इवेंट से डेफिनेटली हमें जो ये बल मिलता है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई कैंसर के ऊपर है या टीबी के ऊपर है या और किसी भी जो बीमारी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि नई क्या पद्धति लाई जाए और कैसे जो है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो उसको लेकर के भी हमने काम किया। हमें नई मशीनों के बारे में पता चलता है, वो नई मशीनें हमने यहाँ पे लगाई हैं, जैसे पलवल के क्षेत्र के लिए भी हमने टीबी के लिए एक नई मशीन लगाई है, जिससे जो है हम के किसी किसी पेशेंट के अंदर उसकी दवाई काम नहीं करती वो कैसे पता चले, उसके लिए एक नई मशीन हमने लगाई है। और या फिर हेपेटाइटिस के काफ़ी सारे मरीज इस इलाके में हैं, उनको ये बताना कि भाई तुम्हारे अंदर कितना वायरस है आज की डेट में, वो जो है तुम्हारे को कितना प्रभावित करेगा, उसके लिए भी हमने मशीन लगाई है। बाकी रूटीन टेस्टों के बारे में भी हम जानते रहते हैं, बांझपन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए नई नई पद्धतियाँ आती हैं उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होता है, जिससे पेशेंट को इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। जी जी डॉक्टर साहब, जैसा क्या है कि आपने पलवल में अपनी लैब स्थापित की, उसके बाद में ऐसा क्यों अपेक्षा की जाए कि लोग इसी लैब से जुड़े, और भी लोगों ने लैब खोली हुई है, मशीनें लगाई हुई है? नहीं, डेफिनेटली आप, हम ये नहीं कहते कि जो है हमारी लैब से जुड़े या हमारी लैब से टेस्ट कराएँ। इस इलाके के अंदर धीरे धीरे हमने ये परिवर्तन लाए कि लोग अच्छी रिपोर्ट दे सकें। पहले जो छोटी छोटी मशीनों से टेस्ट करते थे, जिससे रिपोर्ट ऊपर नीचे जाती थी, ठीक नहीं आती थी, या फिर लोग टेस्ट करते ही नहीं थे पहले, वो लोग इतने कॉन्शियस हुए कि वो लोग टेस्ट करके देते हैं। तो सब आपने पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सारे नए नए काम भी किए और काफ़ी सारे जो लैब को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए, इसके बाद आपकी जो लैब है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की लैबों की श्रेणी में आ चुकी है, तो इस चीज़ पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। एक्चुअली 12 साल से काम करते करते हमने पहले इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल किया, फिर एक्सटर्नल किया, बाहर से CMC वेलोर या वाइलेक न्यू दिल्ली से हमारे पास सैंपल आते थे, उनको इतने सालों से जांचा, फिर हमने मशीनों को बढ़ाया, धीरे धीरे हमने नॉर्मल हीमोग्लोबिन, शुगर, लिपिड प्रोफाइल इनकी मशीनें खरीदी थी, फिर हमने पिछले 4-5 साल पहले थायराइड की मशीन ली, जिससे जो है यहाँ पे थायराइड बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, उसके बारे में जांच की जा सके। फिर हमने यहाँ पे इनफर्टिलिटी के मरीज के लिए, बांझपन जिन लोगों को हो जाता है, बच्चे नहीं हो पाते, उनके लिए कई सारे टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस किए। फिर हमने यहाँ पे जो जिनके बच्चे नहीं होते उनके शुक्राणुओं को साफ़ करने की पद्धति होती है, वो हमने इंट्रोड्यूस करी कि भाई हाँ यहाँ पे ही लोगों को ये सुविधा मिल सके, नहीं तो दिल्ली जाते थे, दिल्ली से जब तक शुक्राणु यहाँ पे लेके आते थे तब तक वो सारे के सारे ख़राब हो जाते थे। फिर उसके बाद अभी हमने पिछले साल जो है एक लोगों को SMS द्वारा रिपोर्ट देने का, ऑनलाइन रिपोर्ट देने का कार्यक्रम शुरू किया है, प्लस कैंसर के लिए हमारे पास कुछ मशीनें हैं जो कि हमने यहाँ पे लगाई हैं और कैंसर की विशेष जांच हो सकती है यहाँ पे। उन मशीनों से ये भी हो जाता है कि टीबी की जिसके अंदर असाध्य रोग है, आजकल जो है लोग दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है उनसे ठीक नहीं हो रही होती है, तो उसमें भी हम बता देते हैं कि भाई ये इन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स से ठीक होगी या आपको सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स लेनी पड़ेंगी, मतलब दूसरी दवाइयाँ बदल के लेनी पड़ेंगी, इसके बारे में भी हमारे पास टेस्ट है। प्लस हमारे पास इस समय पे हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए भी एक टेस्ट है, जिससे उसके अंदर कितने वायरस, कितना उसके अंदर वो फैला हुआ है, उसके बारे में भी बताया जा सकता है। इस तरीके से लेके ओवरऑल हमने कैंसर, TB, हेपेटाइटिस और हीमोग्लोबिन, मतलब हर तरीके के टेस्ट हमने यहाँ पे पलवल ज़िले के लोगों के लिए जो है यहाँ पे अरेंज करके रखे हैं, ताकि जो है वो कोई भी किसी भी तरीके का मरीज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। हमारे इस खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य चिकित्सक और आपको बीमारियों से दूर रहने के लिए किसी अन्य डॉक्टर के साथ, तो बने रहिए ABC चैनल के साथ। नमस्कार।